गुस्सा कर रहा है। और इसके मुझे बच्चे 13-13 हज़ार के मेरे को। अब आ गए हैं अमेजोन पैरट। यहाँ पे जी चकोरे हैं जो मैंने अपने ढेरे भी रखी हैं। इनके जबड़ों में जो ताकत है वो शेर से भी ज़्यादा होती है, शेर के जबड़े से भी ज़्यादा होती है, मतलब ये उससे ज़्यादा डेंजरस है। वो एक और आ रहा है इसीलिए। ये हैं जी यहाँ पर प्यारे प्यारे से हॉर्सेस माशाल्लाह। इन्होंने दूसरे पिंजरे में जाने के लिए नहीं, इसके टहलने के लिए ये सारी जगह बनाई है और बहुत ही खूबसूरत है। ये चेक करें माशाल्लाह इनका साइज। इंसानों के लिए मटन बहुत महंगा है, वहाँ जानवर मटन खा रहे हैं। कैसे रोल करता है टाइगर? स्नैन लाइन किधर है, किधर लाइन? स्नेक। ये देखिए कितना बड़ा है माशाल्लाह। ये इसने अपनी खाल चेंज की है ना। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के करम और शुक्र वाले दिन के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर पुराने तो वीडियो को लाइक कर ले। अच्छा जी, अभी तकरीबन टाइम हो रहा है 12:30 का और हम आए मुल्तान। ये हैड मोहम्मद वाला भी थोड़ा सा स्टे किया है यहाँ पे, थोड़ा सा अपना शो के इंशाल्लाह फिर आगे चलते हैं मुल्तान। मुल्तान हम क्या करने आए हैं, मेन काम है जी शॉपिंग करनी चेज़ाब से, और दूसरे नंबर पे हम जाने जी ज़ू। एक मुल्तान के ज़ू को हमने सर्च किया है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो वहाँ पे चलेंगे इंशाल्लाह ज़ू पे। वहाँ पे बच्चों का हम करवाएंगे इंशाल्लाह जी इंजॉय, क्योंकि हमारे इलाके में ज़ू तो है लेकिन वो इतने ज़्यादा उसके अंदर जानवर नहीं है। आपने पहले मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। तो बच्चे माशाल्लाह अपनी हल्की हल्की नींदें पूरी करके फ्रेश हो चुके हैं इंशाल्लाह जी। आज की वीडियो शुरू करते हैं, उम्मीद करते हैं जी आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और टाइम वेस्ट नहीं करते। यहाँ पे अब थोड़ा सा जो रिफ्रेशमेंट करनी थी और इजी होना था, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे घर से 1-1.5 घंटे का सफ़र है, वो कर लिए। अब इंशाल्लाह आगे चलेंगे। पहले अब ये डिसाइड करना है कि पहले ज़ू जाएँ या पहले शॉपिंग करने के लिए। अच्छा जी, तो चेज़ाब पे हम पहुँच आए हैं अभी। यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा के ऊपर जा रहे हैं। यूसुफ साहब सोए हुए हैं, यहाँ से अब इंशाल्लाह चलते हैं जी ऊपर। आ जाएंगे जी, आ जाएंगे, आ जाओ। अच्छा जी, तो यहाँ से करेंगे कुछ बच्चों की शॉपिंग और फिर इंशाल्लाह चलेंगे जी ज़ू। और नीचे इसके स्टोरेज स्पेस भी है, उधर रख रहा है। यहाँ पे बच्चों की जो शॉपिंग है वो शुरू है ये विंटर की, तो अभी ज़्यादा खुल के आपको मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे फैमिलीज हैं। अच्छा जी, तो तकरीबन 3:30 का टाइम हो चुका है और हम पहुँच आए हैं अब मुल्तान ज़ू। DHA 360 ज़ू है जी, और आपको अंदर जाके दिखाते हैं कि जी जो प्यारे प्यारे से परिंदे हैं, प्यारे प्यारे से जानवर हैं सारे, जिराफ वगैरह वो सामने, डायनासोर। काफ़ी अच्छी बाहर भी डेकोरेशन वगैरह की है लेकिन अंदर भी हमने ऑनलाइन तस्वीरें तो देखी हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है अंदर से भी। फ्रंट पे भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे प्यारे इसे जानवर बनाए हैं और यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है। अच्छा जी, तो ज़ू में एंटर होते साथ ही सबसे पहले हमें वेलकम करते हैं ऑस्ट्रेलियन पैरट्स। वैसे तो ये मैंने घर भी रखे हुए हैं लेकिन ये है जी सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिली है। और हाँ, ये देखो जी काफ़ी गुस्से वाला ग्रे पैरट हमें मिलता है वेलकम पे। इसके बाद जी एक हमें ये केज मिलता है सन कनोर का, ये इसके बारे में सारा लिखा हुआ है। और यहाँ पे जी अगले हमें मिलते हैं येलो रिंग नेक। और ये जी अब आ गए हैं अमेजोन पैरट, काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह खूबसूरत है। और एक जो इस ज़ू की सबसे अच्छी मुझे बात लगी कि हर किसी पैरट या हर किसी जानवर की उन्होंने साथ हिस्ट्री लिखी है, जिससे आप बच्चों यहाँ पे फिराने तो आ सकते हैं लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी बच्चों को मिल सकती है, मतलब इन्फॉर्मेटिव ये ज़ू आप कह सकते हैं। ये जहाँ जहाँ पे जाएंगे साथ उनकी सारी नाम और हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है। यहाँ पर जी हमें मिलते हैं लव बर्ड, ये तो वैसे मैं भी रख चुका हूँ लेकिन अब नहीं है मेरे पास, लेकिन पहले ये मेरे पास होते थे। काफ़ी प्यारे हैं माशाल्लाह, ये भी खूबसूरत। इस पिंजरे में क्या जी,
इस पैरट का मुझे नाम नहीं आता और ये बेचारा उदास अकेला से ही बैठा है वहाँ भी पर्दे जी। ये मिनी मकाओ है, ये है जी मिनी मकाओ, काफ़ी खूबसूरत है लेकिन थोड़ा सा बीमार लग रहा है। अब आगे चलते हैं जी, इस साइड में भी केजेस हैं लेकिन इन पर हम बाद में आएंगे और ये ऊपर से इन्होंने सारा बंद किया है और अब इस साइड पर चलते हैं। फैमिली के लिए अच्छा माहौल है यहाँ पर बैठने के लिए भी, सेटिंग भी, और काफ़ी अच्छे अच्छे परिंदे हैं माशाल्लाह। यहाँ पे जी मोर है मुख्तलिफ कलर्स के और माशाल्लाह काफ़ी प्यारे हैं और काफ़ी खुला है इनके लिए, इन्होंने जगह रखी है। मेरे ख्याल में रात टाइम कवर कर देते होंगे ऊपर से क्योंकि आजकल ठंड है तो सर्दियों में तो ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। या फिर वो पीछे घर है उसके अंदर ये बंद कर देते होंगे। डिफरेंट किस्म की चकोर मौजूद हैं और ये मेरे ख्याल से हमारा कौमी परिंदा भी अगर मैं गलत ना हूँ, और माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। ये के अंदर जी मुख्तलिफ किस्म के प्यारे प्यारे परिंदे हैं और जो दूसरे जंगली जानवर हैं वो इस परिंजे से पिंजरे से बाहर वाली साइड पे हैं। यहाँ पे माशाल्लाह सारे प्यारे प्यारे परिंदे हैं। इसके लिए कुजी तो माशाल्लाह इन्होंने छोटी ही रखी है इतनी बड़ी। यह है जी मकाओ पैरट। ये जो मैंने अपने डेरे भी चकोरे रखी हैं, मैं अभी तक इसको चकोर कहता था लेकिन इसका असल नाम है चीनी मुर्गा और चकोर वो दूसरी जो से मैंने आपको पीछे दिखाई है। ठीक है, एक इन्होंने ये सामने पिंजरा बनाया और एक वो उस साइड पे बनाया, लेकिन दरमियान में ये इन्होंने कनेक्शन बनाया दोनों पिंजरों को जोड़ने के लिए कि वो इधर से इधर जा सकें और यहाँ से वहाँ जा सकें। यह एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी। कैमल है ये। अब हम आए जी लगड़ बगियों के पास और अगर आपने सिम्बा मूवी देखी है तो उसके अंदर वो कहता है कि लगड़ बगों का पेट अंधा कुआं होता है। पेट वो अंदर चला गया, अंधा कुआं वो उस साइड पे होगा। आ जाओ उस साइड से, वो पीछे होगा इसके खिड़की। ये खतरनाक चीज देखी है जी। और इस साइड पे इसका दरवाजा है। आ रहा हूँ आप चाचू पास चलो। इस साइड पे जी इसका दरवाजा, तो मैंने कहा यहाँ से भी कोई लेते हैं क्योंकि वो कमरे के अंदर आ चुका है और काफ़ी डेंजरस लग रहा है, बाहर निकल गया। मुसलमान भी ने मुझे अभी बताया कि इनके जबड़ों में जो ताकत है वो शेर से भी ज़्यादा होती है, शेर के जबड़े से भी ज़्यादा होती है, लेकिन सिर्फ एक वो ये डरते हैं शेर से थोड़ा सा, इसलिए मुकाबला नहीं कर पाते। इस बात का मुझे नहीं था पता और उम्मीद है आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन ये अकेला ही फिर रहा है, इसका दूसरा बंदा नहीं नज़र आ रहा के पास। और इसको उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जंगला लगाया हुआ है, मतलब ये उससे ज़्यादा डेंजरस है। वो एक और आ रहा है, छोटे छोटे से भेड़िए के बच्चे वुल्फ के, वो सामने एक दो इधर बैठे हैं और ये मुझे लगता है दो अडल्ट, एक वो और एक ये, बाकी वो बाकी तीन इनके बच्चे हैं। गुस्सा कर रहा है, मुझे लगता है इनका सबका इस टाइम मुझे लगता है फीड का टाइम है सारों का ना। ये हैं जी यहाँ पर प्यारे प्यारे से हॉर्सेस माशाल्लाह। ये पिंजरा बंगाली टाइगर्स का, लेकिन बंगाली टाइगर्स नज़र नहीं आ रहे, वो सामने बैठे। ओह क्या साइज़ है यार माशाल्लाह, काफ़ी बड़े साइज़ का। लेकिन उस साइड पे इन्होंने जाना मना किया, अभी ये सामने आएगा फ्रंट पे तो आपको मैं दिखाता हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है माशाल्लाह। इसके अंदर अगर आप गर्मियों में भी आते हैं, हम तो सर्दियों में हैं, अगर गर्मियों में भी आते हैं तो बहुत ही माशाल्लाह साफ़ सुथरा और अच्छा अंदर का इन्वायरमेंट है, मतलब आप अच्छा खासा इंजॉय करके जा सकते हैं, आपको गर्मी महसूस नहीं होगी। ये जी इन्होंने दूसरे पिंजरे में जाने के लिए नहीं, इसके टहलने के लिए ये सारी जगह बनाई है और बहुत ही खूबसूरत है। जब यहाँ पे फिरता होगा तो बड़ा ज़बरदस्त लगता होना है, लेकिन फ़िलहाल तो वो सामने बैठा है टाइगर था ये सामने। ये चेक करें माशाल्लाह इनका साइज, कैसे डराते हैं, लाइन को डरा दे इधर, मेरी तरफ देखो
टाइगर कैसे रोर करता है? वो माशाल्लाह मटन खा रहे हैं। मटन खा रहे हैं? अरे यार इंसानों के लिए मटन बहुत महंगा है, वहाँ जानवर मटन खा रहे हैं। वो सामने जी दो बच्चे हैं और मुझे लगता है कि इनके ही वो बच्चे हैं, वो सामने बैठे हैं। चलो क्या बात, क्या बात, माशाल्लाह। चीर शाम के 4:45 का टाइम हो चुका है और इस टाइम अक्सर मैंने देखा कि लाइन जो है वो गुर्राते हैं, तो देखते हैं कि आज ये गुर्राते हैं नहीं। अभी हल्की हल्की आवाज़ तो आ रही थी लेकिन हम आए तो चुप कर गई, तो हम यहाँ पे इंतज़ार करेंगे इनके गुर्राने का। हसनैन लाइन किधर है, किधर लाइन? इस साइड पर ही आपको कैफ़े मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ बैठकर रिफ्रेशमेंट कर सकती हैं। तो खैर आगे मेरे ख्याल से आप इसके आगे एक ही केज है, देखते हैं उसमें क्या है और फिर उस साइड से चलती हैं। ये इसने अपनी खाल चेंज की है ना, ये देखिए ये ऐसे कुछ सालों बाद अपनी जो जिल्द है वो चेंज करते हैं। ये पहले ये खाल साइड पर पड़ी है और ये नहीं आ चुकी है, वो ऊपर भी एक बैठा है और एक वो खाल इन्होंने उतारी हुई है। ये तो बारीक सही है ना, ये सन पानी पी रहा है, वो पानी पी रहा है, पानी पी रहा है, पानी पी रहा है, इधर पानी पी रहा है। पता ये नजर नहीं था आ रहा, पानी पी रहा है। इमन इसको आदर नहीं लगाते है भाई, सर ना यार है यार, शीशे के अंदर है। नहीं ये नीचे देखो, वो ये भी बैठा है, यार ये तो शेरों से भी ज्यादा खतरनाक लग रही है, लग रही है ना। हाँ ये अंदर एक कवर होकर बैठा है ना, आ रहा है मुंह नजर वो सामने मेरे मगरमच्छ बैठे हैं, ये बाहर निकल गए। चलो सामने बैठा है, ये देखो वो सामने बैठा है, ये डियर है, वो है नहीं पोइम कालू मदारी आया उसके अंदर वो ये वाले रीछ ले गया था। ओ नहीं नहीं वो तेरी हसनैन भाई राजा, ये डक्स हैं, ये मैंने भी रखी थी लेकिन अफसोस मुझे ये सेल करनी पड़ी। ये डियर है, नहीं इसको कुछ कहते हैं, सबको कुछ ना कुछ तो कहते ही है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, शहरयार को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।